हेलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं मैथ्स के चैप्टर के अंदर हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 13 इज फाइंड द स्क्वायर रूट बाय द डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड क्या है बहुत ही ध्यान से समझते हैं, राइट। कुछ सम्स मैंने यहाँ पर आपको कराऊंगा, कुछ सम्स वो आपको करने होंगे। तो ये सेकंड वाला समझते हैं पहले। यहाँ पे हमें एक नंबर दिया 3249। हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, राइट, बट विथ डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से किस तरह करेंगे हम, आपको जो भी नंबर दिया होगा आपको यूनिट साइड से, मतलब कि राइट साइड से आपको दो दो नंबर्स की पेयर बनानी स्टार्ट करनी है। जैसे यहाँ पहले पेयर बनेगी 49 और दूसरी पेयर बनेगी 32। इतना करने के बाद आपको करना है सेकेंड स्टेप कि जो पहला जो पेयर है यहाँ पर हमारा 32, तो 32 नंबर है वो कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच में आता है वो आपको सोचना है। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 25 और 36 के बीच में नंबर आता है 32। तो 5 के स्क्वायर के और 6 के स्क्वायर के दोनों के बीच में आता है 32, उन दोनों में जो छोटा नंबर है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो 5 और 6 में से छोटा नंबर 5 है, इसलिए यहाँ पे मैंने 5 लिखा है। पर यही सेम नंबर आपको यहाँ पे ऊपर भी लिखना है 5। 5 5s are 25, इसलिए यहाँ पे नीचे मैंने लिखा है 25। अभी 32 में से 25 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 7। नेक्स्ट स्टेप अभी क्या करना है, तो 32 में से 25 माइनस किया हमने, 7 बचा। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे जो भी नंबर हो उसका डबल करके आपको अब नीचे लिखना है। 5 का डबल होगा 10, सो यहाँ पे नीचे आपको पहले लिखना है 10। ये 7 किस तरह से है उसके बारे में बाद में सोचते हैं, बट पहले आपको जो 5 नंबर है उसका डबल करके यहाँ पे लिखना होता है 10। यहाँ पे जो दूसरी पेयर थी उस दूसरी पेयर को आपको नीचे ले लेना है, यहाँ 49 था इसलिए 49 आ जाएगा नीचे। अभी यहाँ पे है 10, यहाँ पे 749। अभी यहाँ पे पीछे कोई एक नंबर आपको लिखना है और जो नंबर आप यहाँ पे लिखोगे वही सेम नंबर आपको यहाँ पे भी लिखना है। तो ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पे लिखे और यहाँ पे लिखे जिससे कि आंसर हमारा है 749, वो आपको सोचना है। मतलब पहले हम 1 लेके ट्राई करेंगे, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, मतलब 101 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 749 आएगा, तो नहीं आएगा। 102 को 2 से मल्टीप्लाई करके, फिर 103 को 3 से मल्टीप्लाई करके, 104 को 4 से मल्टीप्लाई करके, इस तरह से स्टूडेंट्स आपको हर एक नंबर चेक करना है। चेक करते करते फिर आपको मिलेगा कि 107 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर है वो 749 आएगा। याद रखना है कि यहाँ पे जो नंबर हो वही नंबर सेम आपको यहाँ पे भी लिखना है। तो 107 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर आता है 749 और हो गए रिमाइंडर 0। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट होगा 57। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। 2304 नंबर है, इसको पेयर बनाते हैं। तो पहला पेयर बनेगा 04 और दूसरा पेयर बनेगा ये 23। तो 23 के बारे में सोचो जरा, 23 कौन कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच में आता है। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25। 16 और 25 के बीच में आता है 23। दोनों में जो छोटा नंबर है वो आपको इधर लिखना है। 4 और 5 में से छोटा नंबर 4 है, इस वजह से मैंने यहाँ पे 4 लिखा है। जो नंबर आप यहाँ पे लिखो सेम नंबर ही आपको यहाँ ऊपर भी लिखना होता है। और 4 4 16, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है 16। अभी 23 में से 16 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 7। ऊपर से दूसरा पेयर 09, उसको नीचे ले लेंगे। यहाँ पे नंबर था 4, उसको डबल करके यहाँ पे नीचे हम नंबर लिखेंगे 8। अभी आपको क्या करना है, अभी 8 के पास में यहाँ पे दूसरा कोई एक नंबर चाहिए और जो नंबर आप यहाँ पे लिखोगे वही सेम नंबर आपको यहाँ पे भी लिखना है, जिससे कि दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आंसर हमारा आएगा 704। तो इसके लिए आपको अलग अलग नंबर्स ट्राई करने पड़ेंगे। 81 मल्टीप्लाई बाई 1, 82 मल्टीप्लाई बाई 2, 83 मल्टीप्लाई बाई 3, 84 मल्टीप्लाई बाई 4, 85 मल्टीप्लाई बाई 5, 86 मल्टीप्लाई बाई 6, 87 मल्टीप्लाई बाई 7, 88 मल्टीप्लाई बाई 8। 88 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर हमारा मिल जाएगा 704। रिमाइंडर हो गया 0, इसका मतलब हमारा स्क्वायर रूट है 48। इसी तरह से थर्ड वाला क्वेश्चन 3481। तो यहाँ पे पहली पेयर एक है 81 और एक 34, ये दो पेयर बनेगी हमारी। 34 के बारे में सोचेंगे तो 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में आता है, छोटा नंबर है 5, इसलिए यहाँ पे 5 लिखेंगे और यहाँ पे भी 5 लिखेंगे। 5 5 is 25, 34 माइनस 25 दैट इज 9। ऊपर से दूसरी पेयर नीचे आएगी 81 और ये 5 का डबल यहाँ पे हम लिखेंगे 10।
तो अभी टेन के पीछे कोई एक नंबर लिखना है और सेम नंबर यहाँ पे भी आएगा, तो आपको हर एक नंबर चेक करना पड़ेगा। 101 मल्टीप्लाई 1, 102 मल्टीप्लाई बाई 2, 103 मल्टीप्लाई बाई 3, इस तरह से आप चेक करते जाओगे। तो 109 पे आपको आंसर मिल जाएगा कि 109 को 9 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर 981 है वो आ जाता है, तो इसलिए ये होगा हमारा आंसर। इसी तरह से स्टूडेंट्स बाकी के सम भी सेम मेथड वाले हैं, तो आपको ट्राई करने हैं ये तीनों भी। ये 14th क्वेश्चन के अंदर जो सम है वो भी डिवीजन मेथड वाले ही है। इसके अंदर जो पॉइंट है पॉइंट को इग्नोर करके बाकी सिर्फ सोल्व करना। अभी मैं भूल जाओगे यहाँ पे पॉइंट है, राइट, पॉइंट भूल के आप सोल्व करो और जो भी लास्ट में आंसर आएगा उस आंसर के अंदर बाद में हमें पॉइंट है वो इंक्लूड करना है। इस तरह से इन सभी को भी कर सकते हो। तो अभी पॉइंट भूल जाओ, ये 51.84 लिखा है उसको आपको समझना है 5184, और ऐसे समझ के आपको सोल्व करना है। उसी तरह से उसके बाद वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और 16, उसके अंदर भी सेम चीज़ ही आपको करनी है, राइट। तो आप लोग सभी लोग ट्राई करना एक बार खुद से करने के लिए। बाद में आपको सॉल्यूशन दूंगा इसके, तो आपके अगर कोई मिस्टेक है या फिर कोई डाउट है तो आप उसमें आराम से चेक कर सकते हो, रेडी। अभी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ।